देश में कोरोना की खराब स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। नवंबर में कोविड 19 के मामलों में तेजी आने के बाद से कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामे की मांग की है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कोविड 19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों और उठाए जाने वाले कदमों, साथ ही केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देनी होगी। तो इस रिपोर्ट की मांग सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है सभी राज्य सरकारों से, कि क्या कदम उठाए गए हैं कोरोना को रोकने के लिए उनके प्रदेशों में और आगे किस प्रकार के कदम जनहित में वो उठाएंगे ताकि उनके प्रदेश में कम से कम कोरोना की जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक हो सके और संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो ना हो।